हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉरएवर हो गया, सो डोंट बी कंफ्यूज। एज वेल एज बात करें, हमारे इस चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अभी आ चुकी है आज के दिन में, शेमारू एंटरटेनमेंट के रिलेटेड। इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। ओके, और हमने कुछ 5 दिन पहले ही अपोलो हॉस्पिटल खरीदा था, वीडियो को देख लीजिएगा, आई बटन पे दे दूंगा। और आज के दिन में लगभग 8 से 10% की हमें रिटर्न मिलते हुए नजर आया। तो इसी तरीके से एक छोटे शॉर्ट टर्म के ट्रेड लेके कि हमें जिन पे पता है कि ये इस भागेंगे और उसी तरीके से आपको प्रॉफिट होता है वो नजर आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज है, यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरीके से बाय ऑन लो एंड बाय ऑन सेल ऑन हाई आप बेच सकते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सॉरी डिसएडवांटेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर वीडियोज दे रखी है, आप यहाँ पर इन्हें देखिए तो आपको समझ में आएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और ये वीडियो भी एक ऐसी ही वीडियो होने वाली है जिसमें हम बातें करेंगे RSI से रिलेटेड। हम बात करेंगे हाउ टू मेक मनी थ्रू RSI, how to trade using RSI, तो RSI होता क्या है उससे related बातें करेंगे, RSI को लगाते कैसे उससे related बातें करेंगे, और RSI के through कोई भी beginner क्या ट्रेड कैसे ट्रेड ले सकता है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट उसमें कुछ एक फॉर्मूला होगा, कुछ प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल को फॉलो हमेशा करना है, उस प्रिंसिपल को से थोड़े सा आप हटे तो आपको याद रखिएगा अब यू वुड बी इन अ डीप जो कहते हैं डीप डिग, या फिर उसमें आप गहरे खाई में होंगे, इस तरीके से समझिएगा। इसलिए हमेशा उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करिएगा तो ही आपको पैसा बन पाएगा, वरना पैसा आपका रिस्क में चले जाएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे फ्री में डीमैट अकाउंट को ओपन करने का, वहां पर क्लिक करें, अकाउंट ओपन कराए, और कोई भी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी सिंपली ये नॉलेज के पर्पज से वीडियो बनाई जाती है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके ही आप यहाँ पर कोई भी पोजिशन लीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ, तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं RSI होता क्या है, पहले तो RSI समझ लेते हैं। तो RSI एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। ओके, किसने डेवलप किया था, जे वेल्स एंड वाइल्ड ने यहाँ पर ये डेवलप किया था। और बात करें ये क्या होता है, तो RSI के थ्रू ना पता चल जाता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अगर बात करें RSI इज अ कंसीडर ओवरबॉट व्हेन अबव 70, मतलब 70 से ऊपर चले जाता है ना, तो RSI को माना जाता है कि ये जो शेयर है, पर्टिकुलर शेयर है, ओवरबॉट है। तो यहाँ से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, इसलिए लोग इसे फॉलो भी करते हैं और यहाँ से निकल भी जाते हैं, इसको यूज करके 70 या 80 के आसपास आता है, चुपचाप निकल जाते हैं। एंड ओवरसोल्ड मतलब ज्यादा ही बेचा जा चुका है, वहां पर एंट्री लेने का टाइम होता है। तो ओवरसोल्ड व्हेन बिलो 30, मतलब 30 से नीचे आ गया तो खरीदिए, उसे खरीदिए, अपने पोर्टफोलियो में रखिए, थोड़ा टाइम दीजिए और आप अच्छा खासा पैसा बनाते हुए नजर आएगा। तो RSI का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब इंडेक्स की स्ट्रेंथ बता देता है। ओके, किसी पर्टिकुलर स्टॉक की स्ट्रेंथ बता देता है कि वो स्टॉक कितना अच्छा है। तो अब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो देखिए RSI है क्या, तो RSI जो ये यहां पर दे रखा है ना, ये सारे RSI है। ओके, यहां पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं किसी भी पोजीशन में, यहाँ पर डेली वाइज अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये 15th of March, यहाँ पर नीचे आपको डेट आ रही होगी, अगर 50 यहाँ पर देखे कि 5th of March को कितनी RSI थी, तो RSI यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर देखिएगा 47 जो ये चेंज हो रहा है ना, ये RSI है। तो यहाँ पर जैसे 9th of March को 57 RSI थी, इसके अलावा बात करें यहाँ पर 46 RSI थी कब, 18th of March को। तो इस तरीके से अलग अलग दिन की अलग अलग RSI होती है। इट कम्प्लीटली डिपेंड कि आपका स्टॉक किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, सेलिंग की तरफ बढ़ रहा है या आपका आपका स्टॉक बाइंग की तरफ बढ़ रहा है। ओके, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो RSI बढ़ती जाएगी, नीचे RSI आ रही है मतलब ये शेयर बिकता जा रहा है। तो आपको क्या बताया था, 30 और 70 का रेशो होता है, 30 मतलब ओवरसोल्ड और 70 और उससे अबव मतलब ओवरबॉट। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कब आपको खरीदना है, 30 या 30 के नीचे खरीदना है। ओके, या 30 से आपको 32 35 आ गया, इस दौरान आपको खरीदना है। और आपको बेचना कब है, आपको बेचना है 70 या 80 के आसपास। और दूसरा चीज क्या है, दूसरी चीज है आपको अच्छे स्टॉक्स में रहना है। अच्छे स्टॉक्स का मतलब क्या, अच्छे स्टॉक्स का मतलब है निफ्टी 50 के स्टॉक जो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे SCL, इंफोसिस, TCS, ओके, एज वेल एज और भी निफ्टी 50 के बाहर स्टॉक मिल जाएंगे, जैसे LTI हो गया। तो आपको मार्केट में बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे
उस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आ जाएगा। और बात करें, यहाँ पर परसों की डेट में एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसे देखिएगा तो आपको इससे रिलेटेड भी यहाँ पर नॉलेज आ जाएगी। आज की वीडियो कुछ ऐसी ही रिलेटेड है, एज वेल एज बाई ऑन हाई एंड सेल, इससे रिलेटेड भी यहाँ पर आपको पता चलेगी कि आपको पता कब चलेगा कि आपको लो पे खरीदना है। तो लो पे खरीदने का मतलब है RSI नीचे आ गया तो आपको खरीदना है, ऊपर चला गया तो आपको बेचना है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे। अगर हम बात करते हैं आज की डेट में SCL टेक्नोलॉजी, SCL टेक्नोलॉजी फंडामेंटली काफी साउंड स्टॉक है, ओके, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छे है, मतलब टॉप निफ्टी 50 का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पर आया, अगर बात करें, देखिए यहाँ पर RSI लगाते कैसे, पहले इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो FX दे रखा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये ट्रेडिंग व्यू में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप RSI लिखेंगे ना तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके के RSI आ जाएगा, यहाँ पर आपको इसे यूज करना है। एज वेल एज बात करें, यहाँ पर ये जो RSI का मोड है, यहाँ पर सेटिंग्स में मैंने चेंज कर रखा है 80 और 30, यहाँ पर 70 से 30 आएगा, मैंने यहाँ पर चेंज कर रखा है 80, ताकि 70 से थोड़ा सा ऊपर निकले तो एक मुझे आइडिया लग जाए। तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल्स की, तो RSI कब खरीदना है कब बेचना है ये आपको पता चल गया। आपको ट्रेड किस में करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में, जो कि काफी अच्छे स्टॉक्स है, ओके, जिसमें अगर कल की डेट में और नीचे चला जाता है RSI के नीचे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको खरीदना है ताकि आप अच्छे खासे शेयर यहाँ पर बॉट कर सको और अच्छे खासे पैसे कमा सको, ओके। तो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स है, उन्हें आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छा खासा पैसा मार्केट में कमा सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अगर इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम में आपको ट्रेड मिले, बट आपको एक प्रॉपर ट्रेड मिलेगा, एक अच्छा खासा पैसा आप बनाते हुए नजर आओगे। अगर यहाँ पर देखें तो ये RSI 12th ऑफ जैन को कितनी थी, लगभग 80 के आसपास आ गई, तो लोगों ने यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। इससे पहले भी यहाँ पर अगर बात करें 5th ऑफ जून, मतलब इन्हीं के अगर बात करें 5-10 दिन के अंदर अंदर एक दो बार यहाँ पर 80 के आसपास का RSI आया, एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आया, फिर लोगों ने यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यहाँ पर शेयर नीचे की तरफ जाता रहा। अगर बात करें आप यहाँ पर भी खरीद सकते थे, यहाँ पर खरीद के 39 और बेसिक मैंने आपको बताया कि 30 और 40 या 35 के बीच में के शेयर आ रहा है तो आप खरीदिए और नीचे जाता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो बाय ऑन डिप्स करके आप अच्छा खासा पैसा उसमें एवरेज कर सकते हैं, और एवरेज करके जब वो शेयर ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा खासा गेन देगा। जैसे कि ये शेयर गया और यहाँ पर कब, मतलब ये 150 अगर बात करें 1150 तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया, फिर उसके बाद गिर गया, और जब ये शेयर यहाँ पर आया, मतलब 30th ऑफ अप्रैल को, जहाँ पर RSI कितनी है 32, जहाँ पर मैंने भी वीडियो बनाई थी और आपको कहा था कि खरीदिए, लगभग 900 रुपए के आसपास आ गया, फिर उसके बाद आपको खरीदना था। और आज की डेट में अगर बात करते हैं 940 रुपए तक शेयर जा चुका है, और एक दो महीने का और वेट करेंगे तो ये दोबारा इसी RSI पे आता हुआ आपको दिखाई देगा और लगभग लगभग 1100 रुपए का यहाँ पर टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है चार्ट के पैटर्न से, बट उसे चार्ट को छोड़ देते हैं। अभी बात करते हैं RSI की, यहाँ पर 70 और 80 के बीच में RSI में शेयर आए, तुरंत आप बेच दीजिए और थोड़ा सा वेट करिए, फिर आपको दोबारा इस तरीके से आपको पोजीशन मिलेगी। और एक स्टॉक्स ना रेंज भी बनाता है, तो मैंने इससे रिलेटेड भी बात करी है, जो वीडियो पीछे बताई है उनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज ऊपर, तो उस चीज को देखिएगा, उस वीडियो को देखेंगे तो एक रेंज बनाता है हर एक स्टॉक, उस रेंज में आपको शेयर खरीदना है, उसके रेंज में नीचे से खरीदना है, ऊपर की तरफ बेचना है, तो बाय ऑन लो सेल ऑन हाई, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें TCS की, तो यहाँ पर देखिए सेम आपको अच्छे स्टॉक्स में करना है, तो अच्छे स्टॉक्स में मैंने बता दिया TCS, देखें यहाँ पर आया, कम RSI थी 33, यहाँ पर आपने खरीदा, ओके, फिर इसके बाद ऊपर गया, ओके, यहाँ पर आप चाहे तो निकल सकते हैं 70 तक, देखिए RSI आ रहा है, यहाँ पर आप निकल सकते हैं या थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, या फिर अगले दिन थोड़ा सा नीचे आया फिर बेच सकते हैं, फिर यहाँ पर इस तरीके से आप अलग अलग ट्रेड कर सकते हैं। अगर बात करें पिछले टाइम की, तो यहाँ पर पिछले टाइम भी अगर हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए RSI यहाँ पर, तो देखिए मार्च में पूरा ही के पूरा डगमगा गया था, तो इसकी बात करना बेकार रहेगा। यहाँ पर बात करें तो देखिए RSI यहाँ पर नीचे कितना 26 तक आ गया था, यहाँ पर आपको खरीदना था और खरीद के आपको वेट करना था थोड़ा सा, शायद फिर उसके बाद ऊपर जाके फिर उस आपके प्राइस से भी नीचे आए, फिर और बाय ऑन डिप्स कर लीजिए जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग, और फिर थोड़ा सा वेट करिए तो फिर दोबारा ऊपर शेयर जाता हुआ दिखाई देगा, ओके। तो 70 के आसपास आया, फिर दोबारा यहाँ पर से निकल जाइए और फिर उसके बाद वेट करिए, यहाँ पर फिर आपको एक मौका मिला। इस तरीके से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और ये आप जितने भी फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है ना, आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, और कितना 20% के रिटर्न आपको एक एक ट्रेड में दे देते हैं, और साल में
40% के रिटर्न होते हैं। एलटीआई की बात करें, ओके एलटीआई में भी देखिए सेम, अभी अभी एक बाइंग आई थी यहाँ पर, ओके यहाँ पर 33 के आसपास ये शेयर आता हुआ दिखाई दिया था, फिर आप यहाँ पर खरीद लेते और जब यहाँ पर अभी अभी तो देखिए यहाँ पर बेचा नहीं है ये शेयर 2nd of March, तो यहाँ पर अगर 3-4 महीने और वेट करते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा 20% तक के रिटर्न दोबारा 70 की RSI पर जब आएगा तो अच्छा खासा आपको गेन मिलता हुआ नजर आएगा। और ये इसी में नहीं, यहाँ पर यहाँ जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की ले लीजिए, ओके मैं अभी तक IT बता रहा था, देखिए यहाँ पर हर बार इसी रेंज में आता था, ब्रिटानिया 29 का RSI आया ले लीजिए, फिर कितनी RSI आया 72 का आया बेच दिया, फिर दोबारा यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर इस शेयर ने तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी है बाइंग और सेलिंग की, 34 पे खरीदा, ओके मैंने आपको बनाया भी था वीडियो, खरीदो और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए अब ऊपर की तरफ जाएगा, बेच देंगे, फिर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी इसने 27 अक्टूबर को दी थी, इस तरीके से अगर 20-20% के भी रिटर्न ये दे रहा है तो साल में 60-70% के रिटर्न होते हैं, तो इस चीज को समझ के आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी एक, इसके बाद यहाँ पर एक और दूसरी अपॉर्चुनिटी आई थी यहाँ पर देख सकते हैं 2, ओके थोड़ा सा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, मतलब 20-20% की भी 15-15% भी मारते हैं 45% के रिटर्न आपको 9 महीने मतलब 6 महीने 7-8 महीने के अंदर अंदर मिल रहे हैं, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी को लीजिए। इसी तरीके का चार्ट पैटर्न कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी बनाया था अगर बात करें, तो इस तरीके से आप अगर बात करें तो अच्छा खासा आप गेन मार्केट से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं इस स्ट्रेटेजी के भी बेस पे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर खरीदा, फिर यहाँ पर बेच दिया, फिर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आई यहाँ पर खरीदा, नीचे RSI नीचे आया, फिर यहाँ पर ऊपर आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 70-60-65-70 अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद आ रहा है, फिर यहाँ पर वेट किया थोड़ा सा, फिर इसने अभी अपना रेंज चेंज किया है, तो यहाँ पर रेंज के हिसाब से भी आप आपने यहाँ पर खरीद लिया, फिर यहाँ पर अब ऊपर जाएगा तो बेच सकते हैं। तो किसने कितनी बार मौका दिया, एक बार, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 बार, फिर यहाँ पर 1 बार 3 बार, 1 बार 4 बार, ओके मतलब 4 से 5 बार ये मौका दे चुका है, और 4 से 5 बार 10-10% के भी रिटर्न हुए तो 40-50% रिटर्न होते। तो RSI का इस तरीके से यूज करके भी ना, अगर किसी को शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है, बस 1% नॉलेज है कि RSI को चेक कैसे करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर कैसे है, ओके आपको मिनिमम रिस्क के साथ अच्छा खासा गेन, मतलब मिनिमम रिस्क और हाई रिटर्न इस तरीके से आपको मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो इसी चीज से रिलेटेड वीडियो थी, ओके आपको होप समझ में आ गया होगा, बट प्रिंसिपल क्या है, आपको RSI प्रॉपर RSI पर जब शेयर आए तब आपको खरीदना है, बाय ऑन डिप्स करना है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, फ्यूचर ऑप्शन आपको करना नहीं है, ओके आपके पैसे हमेशा सेव होने चाहिए, और आपके खुद के पैसे से, कोई बाहर के पैसे से, कर्ज वाले पैसे से, या फिर डेट वाले पैसे से, या फिर बैंक लोन से आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपके जितने पैसे है उतने पैसे लगा के आप करिए, अच्छा खासा गेन आपको फ्यूचर में होता हुआ नजर आएगा, और धीरे धीरे पैसा आपका जब इकट्ठा होता जाएगा ना, तो आप इस चैनल को भी याद रखोगे, मुझे भी याद रखोगे, हमें ब्लेसिंग भी दोगे और हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा, और इसी तरीके की नॉलेज के साथ आप दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करेंगे और हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, और ऐसी वीडियो आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक मैं यहाँ पर एग्जिस्ट हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और दूसरे वीडियोज को भी देखिए, देखा करें, हर एक वीडियो में मैं अलग नॉलेज मिलती है, नोट्स बनाइए, पता चलेगा कि मैं किस टाइम किस चीज से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर, और शेयर करना बिल्कुल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।